हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे रेसिपी का मेनू है पनीर पराठा। बच्चों का पनीर पराठा फेवरेट होता ही है, लेकिन हम बड़े भी पनीर पराठा पसंद करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं हेल्दी प्रोटीन युक्त पनीर पराठा। इस रेसिपी में मैंने 200 ग्राम पनीर यूज़ किया है। सबसे पहले हमें पनीर को ग्रेट कर लेना है। आज के पराठे के हिसाब से आप पनीर कम ज़्यादा कर सकते हो। और टेस्ट एनहांस करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है बटर। मैंने इसमें बटर भी ग्रेट कर लिया है। 50 से 100 ग्राम बटर मैंने इसमें डाला है। एक्चुअली बटर पराठे के ऊपर खाया जाता है, लेकिन अगर आप इसमें डालोगे तो आपके पराठे सॉफ्ट और मॉइस्ट रहेंगे। ये आपके लिए पराठे में डालने के लिए एक टिप है। पनीर और बटर ग्रेट करने के बाद अब हमें उसमें, बच्चों के लिए बना रहे हो तो उसमें चीज़ तो होना ही चाहिए। मेरे पास चीज़ क्यूब नहीं थे, इसलिए मैंने चीज़ स्लाइस को ही टुकड़े करके उसमें ऐड किया है। अगर आपके पास चीज़ क्यूब हुए तो आप उसको भी ग्रेट कर सकते हो। ये देखिए, मैंने चीज़ स्लाइस को टुकड़े में उसमें डाल दिया है। अब सबसे पहले हमें हरा धनिया, फ्रेश कोरिएंडर को इसमें ऐड करना है। उसके बाद आपको पिज़्ज़ा के साथ जो चिली फ्लेक्स या फिर इटालियन सीजनिंग मिलते हैं, वो भी आप आपके अनुसार उसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने लगभग 2 पाउच चिली फ्लेक्स के उसमें डाले हैं, मतलब 2 टेबलस्पून मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं और 1 टेबलस्पून सीजनिंग डाला है। आजकल तो बाज़ार में ये सारा सामान मिल जाता है। उसके बाद 1 बड़ा टेबलस्पून मैंने उसमें जीरा ऐड किया है, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 1-2 चम्मच आपको धनिया पाउडर ऐड करना है। जितनी चीज़ें आप ऐड करोगे उतना टेस्ट एनहांस होगा, इसलिए मैंने स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद उसमें 1 बड़ा टेबलस्पून तिल और 1/2 टेबलस्पून अजवाइन डाला है। उससे अपना फीलिंग ही थोड़ा शाही हो जाएगा। 1 टेबलस्पून तिल और 1/2 टेबलस्पून अजवाइन डालना है। शाही पनीर पराठा हमें बनाना है, इसलिए आप अपने हिसाब से चीज़ें ऐड कर सकते हो। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि इस फिलिंग के हम बॉल बनाकर डायरेक्टली पराठा बनाते वक्त उसमें अच्छे से डाल सकते हैं। अब हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। ऑलरेडी उसमें बटर है, चीज़ है, इसलिए उसे बाइंडिंग अच्छा आ जाता है। आपको पराठा कितने साइज़ का बेलना है उसके हिसाब से आपको उसके बॉल्स बनाने हैं, ताकि जब हम पराठा बनाएंगे तब हम डायरेक्टली उसको उसमें डाल सकते हैं। मेरे इसके लगभग 4-5 बड़े बड़े बॉल बन गए थे। अब हम आटा गूंथते हैं। सब मैंने इसके लिए 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है। उसके बाद मैं उसमें डालने वाली हूँ 1 टेबलस्पून तिल और 1/2 टेबलस्पून अजवाइन और स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि पराठे की ऊपर की परत भी आपको टेस्ट लगनी चाहिए, इसलिए नमक डालना ज़रूरी है। अजवाइन को आपको क्रश करके डालना है। हम रोटी बनाने के लिए जिस तरह से आटा गूंथते हैं वैसे आटा हमें गूंदना है और 1-2 चम्मच आपको उसमें तेल ऐड करना है और थोड़ी सी हल्दी ऐड करके हमें उसका कवर अच्छा बनाना है। उसके बाद मैंने 1/2 टेबल स्पून जीरा ऐड किया है। पानी डालने से पहले आप इसे अच्छे से सब मिक्स कर लो, ताकि जो हमारा मोहन है वो उसको अच्छा लगेगा। उसके बाद रोटी बेलने के लिए जैसे आटा गूंथते हैं वैसे ही सेम आपको आटा गूंदना है। सिर्फ आपको इसे अच्छे से 4-5 मिनट तक अच्छे से रगड़ लेना है, ताकि हमारे पराठे का टेक्सचर अच्छा आएगा। अब मैंने 1 टेबलस्पून तेल ऐड करके उसे अच्छे से गूंद लिया है और आपको अभी से 10-15 मिनट के लिए साइड में रख देना है,
ताकि हमारा आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। 10 से 15 मिनट के बाद देखिए हमारा आटा कितना सॉफ्ट हो गया है। हमें वापस 2 से 3 मिनट अच्छे से आटे को वापस से रगड़ रगड़ के गूंद लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लगातार 2 से 3 मिनट तक अच्छे से उसे रगड़ कर गूंद लिया। इस तरह से आपका आटा आना चाहिए। अब हम पराठे बनाते हैं। आपके साइज़ के हिसाब से आपको बॉल्स बना लेने हैं ताकि हमने जो पनीर के बॉल बना है वो उसमें आ सके। लगभग हमने जो पनीर के बॉल बनाए है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमें आटा लेना है। ये देखिए, सबसे पहले हमें उसे थोड़ा बड़ा साइज़ में बेल लेना है ताकि हमारा जो पनीर का फिलिंग है वो उसमें ऐड हो सके। अब इसमें हमने जो पनीर के बॉल्स बनाए हैं वो उसमें ऐड करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे अच्छे से आपको टक करना है ताकि आपका फिलिंग जो है वो बाहर ना आ सके। जो एक्स्ट्रा आटा है वो निकाल के आप रख सकते हो। इस तरह से पूरा फिलिंग आपको अच्छे से उसे कोट कर लेना है और अपने हाथों से उसे फैला देना है। अब थोड़ा सा सूखा आटा लेके आपको उसे लगाना है और अपने हाथों से उसे दबा दबा कर बड़ा करना है। बेलने से पहले ये स्टेप ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो फिलिंग है वो पूरे पराठे में स्प्रेड होने के लिए आपको ये स्टेप ज़रूर करना है। इस तरह से आपको पूरा फिलिंग फैला देना है ताकि हमें आगे के स्टेप पे बेलना भी आसान हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें जो साइज चाहिए वहाँ तक आपको बेलना है। अगर आपका कुछ पनीर या चीज़ बाहर आ जाएगा तो आपको उसमें सूखा आटा डाल के उसको बंद कर लेना है। अगर आपने प्रोपोर्शन का ध्यान रखा तो आपका आटा और पनीर के बॉल बराबर अगर आ जाते हैं तो आपका फिलिंग जो है वो बाहर नहीं आता है। इस तरह से मैंने पूरा पराठा बेल लिया है। अब हमें सबसे पहले पराठा बेलने से पहले आपको तवा गर्म करने के लिए रख देना चाहिए। तवा गर्म होना ज़रूरी है। जब हम पराठा डालने वाले हैं तब हमें गैस फुल फ्लेम पर रखना है क्योंकि हम हाई फ्लेम पे पराठा रोस्ट करने वाले हैं। लगभग 1 से 2 मिनट तक आपको एक साइड पूरी आपको रोस्ट कर लेनी है क्योंकि हम हाई फ्लेम पे कर रहे हैं, इसलिए आपको पराठे पे ध्यान रखना है ताकि वो जले नहीं। अब लगभग 1 मिनट के बाद हम पराठे को पलट देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जो अंदर का बटर और चीज़ है वो मेल्ट होने के कारण उसका कलर चेंज हो रहा है। अब आपको तेल डालना है या घी डालना है वो आपको उसके ऊपर डालना है। मैंने घी का इस्तेमाल किया है। पनीर पराठा है, शाही पराठा है, तो सारी चीज़ें शाही होनी चाहिए, इसलिए मैंने घी को देसी घी अपने इस्तेमाल किया है। पूरी तरह आपको उसको स्प्रेड कर लेना है। उसके बाद ही आपको उसको टर्न करके इस साइड को भी आपको पूरा देसी घी लगा देना है। इसको भी आपको अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। अब वापस उसे एक बार टर्न करके नीचे की साइड भी आपको सेक लेनी है। देखिए फ्रेंड, हमने थोड़ी सी जो हल्दी डाली थी इसलिए ऊपर का जो कलर है वो भी कितना अच्छा आया है। अब हमारा पनीर पराठा रेडी हो गया है। आप इसे निकाल के ले सकते हो। गर्मा गर्म उसके ऊपर बटर घी डाल के आप खाने के लिए दे सकते हो। ये हमारा पनीर पराठा रेडी है। अब इसके ऊपर
मैं घी डाल के खाने के लिए लेने वाली हूँ। आप आपके हिसाब से इस पे बटर या फिर लोनी कुछ भी डाल सकते हो। इस पराठे को आप दही के साथ, अचार के साथ या फिर सिर्फ ये पराठा घी डाल के भी खा सकते हो, क्योंकि हमारी जो फीलिंग है वो अपने आप ही परिपूर्ण है। इस तरह से मेरे 200 ग्राम पनीर में 4 से 5 पराठे हो गए थे। ये देखिए फ्रेंड, कितना सुंदर दिख रहा है हमारा पनीर पराठा। उसका कलर और टेक्सचर भी कितना अच्छा आया है। ये मेरा सेकंड पराठा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम तवा इतना गर्म नहीं होता है इसलिए हमारा पराठा अच्छे से होता है, लेकिन सेकंड के बाद हमारा तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसलिए इस बात आपको फ्लेम को मीडियम हाई फ्लेम रखना है, डायरेक्ट हाई मत रखिए, अदरवाइज आपका पराठा जल सकता है। इस तरह से आपको पराठे को अच्छे से सेक लेना है। दोनों तरफ आपको अच्छे से घी डाल के उसे गर्म कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने हाई फ्लेम रखी थी इसलिए मेरा पराठा थोड़ा सा जल गया है, इसलिए आपको सेकंड पराठे में मीडियम हाई फ्लेम कर लेनी है। इस तरह से मेरे 5 पराठे हो गए।